हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारा वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही जानकारी भरा वीडियो है ये। आज हमारा टॉपिक है मॉर्निंग सिकनेस। तो ये बहुत ही सामान्य सी बीमारी है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। जब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी किसी को नौसिया, वोमिटिंग यानी कि मतली की शिकायत हो, उल्टी की शिकायत हो और जी मितलाने की शिकायत हो तो उसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये बहुत सामान्य सी बीमारी है, सामान्य सी तकलीफ़ है और कभी कभी ये विशिष्ट हो जाती है, कभी कभी बहुत ही तकलीफ देह होती है। और कारण की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन में बढ़ोतरी या फिर मतलब ज़्यादा लार बनना, ये सब फैक्टर होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली उल्टी और मतली को हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो ये हार्मोन जब ये प्रेगनेंसी होगी, जब ये प्रेगनेंसी ठहरेगी, कोई महिला कंसीव करेगी तो हार्मोनल चेंज तो होगा ही। और हार्मोनल चेंज के साथ साथ हम अनुभव कर सकते हैं या अगर इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, केमिकल एनालिसिस किया जाए तो हमको पता चलता है कि इसमें केमिकल चेंजेज भी होता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और सामान्य सा कंप्लेन तो हर एक महिला को होना ही होना है क्योंकि ये हार्मोनल इंट्रोड्यूस डिजीज है। अगर हम समय की बात करें तो फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर तक और किसी किसी महिला में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये शिकायत देखने को मिलती है। और सामान्य से तकलीफ़ के बाद अगर मतलब कुछ महिला में तो ये तकलीफ़ इतनी सामान्य होती है कि फिर उसका बहुत ज़्यादा इलाज करने की अभी आवश्यकता नहीं होती है और डॉक्टर टिप्स दे देता है कि खाली पेट नहीं रहना है और मतलब ऐसा भोजन नहीं लीजिए जो मतलब नौसिया ट्रिगरिंग फूड हो, मतलब जिससे कि मतलब मतली आए। आप कुछ खास चार्ट बना देगा या फिर आपको पार्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है या कुछ खास ऐसा भोजन आप लें जिससे कि आपको परेशानी होगी तो डॉक्टर कहता है खाली पेट नहीं रहिए और जो मतलब नौसिया ट्रिगरिंग फूड है उसको एवॉइड कीजिए। और कभी कभी तो आप देखेंगे कि लेमोनाइड फ्रूट्स जूस है, मतलब नींबू उम्बू का शरबत लेने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह का टिप्स भी डॉक्टर दे देता है। लेकिन वही अगर मतलब ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और फिर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन तक कराने की नौबत आ जाती है, स्लाइनिंग होता है और मतलब खून का जांच हुआ उसमें पता चला कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, उस हिसाब से सोडियम क्लोराइड ये सब चढ़ाया जाता है और आदमी का जान बचाया जा सकता है। और अगर मतलब एलोपैथिक इलाज की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि डोमस्टॉल, पेरिनॉर्म जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इन औषधियों का जो प्रभाव होता है लक्षणों पर होता है और जो मतलब कई बार हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी सब का शिकायत रहा हो तो पेरिनॉर्म बिल्कुल नहीं दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। वहीं अब हम होम्योपैथी में एक ख़ास दवाई है सिम्फोरिकॉर्पस। तो सिम्फोरी कॉर्पस 30 पावर में या 200 पावर में दीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, ख़ास करके मतलब लगातार या हठी किस्म की मतली हो या बार बार परेशान करने वाली हो। तो हम देखते हैं कि सिम्फोरी कॉर्पस रेसेल 200 पावर में एक खुराक दे देते हैं तो बहुत अधिक फायदा होता है। और सामान्य कष्ट में 30 पावर में जब ये जी मतलाए या उल्टी जैसी टेंडेंसी हो तो एक खुराक दे दीजिए तो खूब बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा भी एक चार्ट है मेडिसिन का जिसको कि हम लक्षण के आधार पर देते हैं और इसका बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसमें जो मतलब एक रूटीन दवाई है
और जनरल मतली में नोसिया में भी दी जाती है और ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी भी इसका बहुत अधिक यूज होता है। वो दवाई है इपिकॉक। इसमें क्या होता है कि पेट लटक जाता है और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ नोसिया होता है। तो हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन में से एक है ये इपिकॉक, और उसमें एक कांस्टेंट डिजायर होता है वोमिट करने का, हेडेक भी हो सकता है और नोसिया भी हो सकता है, और नोसिया उथ स्मेल ऑफ फूड हो सकता है, मतलब आप कोई भोजन का ऐसा गंध ले रहे हैं आज जिससे उल्टी हो जाए। तो जनरल वोमिटिंग की भी ये दवा है, और मॉर्निंग सिकनेस जो कि मतलब प्रेगनेंसी के समय में जो ये नोसिया और मतलब मतली की शिकायत होती है उसकी भी, उसमें भी ये हाईली रिकमेंडेड दवाई है। और इसी इसका एक सिम्टम्स जो है कि भोज्य पदार्थ के गंध से उल्टी, तो ये खास लक्षण है एक अन्य मेडिसिन का जिसका नाम है कोल्चिकम। तो कोल्चिकम में हम देखते हैं कि एकदम पेशेंट ठीक है, जब ये भोजन का गंध उसके नाक में गया कि उसको मतली शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम इपिकॉक देते हैं, ये कोल्चिकम देते हैं। तो कोल्चिकम स्पेशल है कि भोज्य पदार्थ के गंध से उल्टी होने पर। फिर एक मेडिसिन है सीपिया जो हार्मोनल फीमेल हार्मोन को बैलेंस करता है शरीर में। इसमें भी हम देख सकते हैं खाना देखकर ही उल्टी हो जाता है, खाना के गंध से उल्टी होती है। और अगर मतलब सिम्टम्स सब वेग हो और अगर आप टंग का परीक्षण करेंगे तो व्हाइट डिपॉजिट ऑन द टंग देखेंगे, मतलब जी पर देखेंगे एकदम दूधिया जैसा लेप, दूध जैसा उसका जो टंग है। तो इस कंडीशन में दिया जाता है एंटीम क्रूड। तो जो मतलब जो होम्योपैथी के माध्यम से गैनिक प्रॉब्लम सबको देखते हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, तो उसमें आप अध्ययन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन है नक्स भूमिका और एंटीम क्रूड। कम पावर में 30 पावर में एंटीम क्रूड दीजिए और 30 पावर में नक्स भूमिका दीजिए आप। और अगर ज़्यादा परेशानी है तो एक एक घंटा पर दिया जाए तो हम देखते हैं कि बहुत अधिक लाभ होता है। तो इस तरह से दवाइयाँ हैं जो अगर उसका सेवन किया जाए तो बहुत अधिक लाभ देता है। और ख़ास दवाई इसमें अगर हम बात करें ख़ास दवाई का कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए, तो दवाई है सिम्फोरी कॉर्पस 30 पावर में और 200 पावर दोनों में इफ़ेक्टिव है। और जब ये मतली की शिकायत हो तो 3 से 4 बूंद दीजिए, या पानी में मिला करके दीजिए, या डायरेक्ट टंग पर भी दे सकते हैं। और फिर देखिए कि कब तक आराम रहता है। फिर भर दिन में अगर 30 पावर में दे रहे हैं तो 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। तो पार्टिकुलर मेडिसिन है ये नौसिया के लिए ड्यूरिंग द मतलब प्रेगनेंसी।